दोस्तों, वीडियो का टाइटल और थंबनेल देखकर आपको पता चल गया होगा कि वीडियो में क्या होने वाला है। यदि आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। तो चलिए बिना देरी के वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले गूगल के सर्च बॉक्स में UIDAI टाइप कर सर्च करेंगे। उसके बाद UIDAI पर क्लिक करेंगे। क्लिक करते ही आधार का ऑफिशियल साइट ओपन हो जाएगा। उसके बाद से स्क्रॉल करके नीचे आएंगे। और आधार सर्विस पर क्लिक करेंगे। उसके बाद से स्क्रॉल करके नीचे आएंगे। और सबसे नीचे आपको दिखेगा आधार सर्विस ऑन SMS, इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करते ही आधार सर्विस ऑन SMS का डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा, जिसमें आपको बहुत सारा सर्विस प्रोवाइड किया जाएगा जो बिल्कुल ऑफलाइन होता है। मतलब आपके पास इंटरनेट नहीं है तो भी अपने मोबाइल से मैसेज भेज सकते हैं। तो ये देखिए पहला है। और थोड़ा स्क्रॉल करके नीचे आएंगे तो ये देखिए पहला। अगर आपको वर्चुअल आईडी जनरेट करना है तो उसके लिए आपको GV ID टाइप करके फिर स्पेस देना है, फिर अपना आधार नंबर का लास्ट 4 डिजिट टाइप करना है। उसके बाद से 9123 पर भेज देना है। ध्यान रहे जो भी SMS करेंगे वो आधार से लिंक होना चाहिए। तो आपका वर्चुअल आईडी SMS के द्वारा जनरेट हो जाएगा। अगर रेट्राइव वर्चुअल आईडी करना है तो उसको भी 9123 पे भेजेंगे। RV ID टाइप करके स्पेस टाइप दाबेंगे और उसके बाद से आधार का लास्ट 4 डिजिट इंटर करेंगे। उसके बाद से स्क्रॉल करके और नीचे आएंगे और यदि OTP ऑथेंटिकेशन का OTP प्राप्त करना है, यहाँ पे देखिए टाइप करेंगे गेट OTP, उसको भी 9123 पर भेज देंगे। और वही लास्ट आधार का 4 डिजिट इंटर करेंगे, या तो वर्चुअल आईडी का लास्ट 6 डिजिट इंटर करके गेट OTP स्पेस टाइप करके भेज देंगे। उसके बाद से और स्क्रॉल करके नीचे आएंगे और यदि देखिए आधार लॉक करना हो तो लॉक करने के लिए यहाँ पे देखिए लॉक UIDAI टाइप करेंगे कैपिटल लेटर में और उसके बाद से स्पेस इंटर करेंगे। उसके बाद से आधार का लास्ट 4 डिजिट इंटर करेंगे। उसके बाद से स्पेस, उसके बाद से OTP 6 डिजिट का OTP इंटर करेंगे। OTP लेने के लिए सबसे पहले ये गेट OTP और स्पेस आधार का लास्ट 4 डिजिट इंटर करेंगे। एग्जांपल भी दिया है यहाँ पे, ये सब बिना लाइन के कर सकते हैं आप सादे मोबाइल से। सिर्फ आपका आधार नंबर से मोबाइल नंबर रजिस्टर होना चाहिए। उसके बाद से और नीचे आएंगे तो यदि अनलॉक करना हो तो अनलॉक के लिए देखिए पहले OTP भेजेंगे, फिर अनलॉक का मैसेज भेजेंगे। उसके बाद से वर्चुअल आईडी टाइप करेंगे, देखिए वर्चुअल आईडी टाइप करना पड़ेगा तो अनलॉक हो जाएगा। फिर उसके बाद से बायोमेट्रिक लॉक करना चाहते हैं कि जैसे कि कहीं फिंगर लगा कर पैसा निकालते हैं या कहीं फिंगर ना लगे, तो उसके लिए भी ये मैसेज कर सकते हैं। क्या मैसेज करना है नीचे देखिए,
ये देखिए, पहले ओटीपी भेजना पड़ेगा, फिर इनेबल बायो ऐसे लॉक करके स्पेस लास्ट 4 डिजिट फिर ओटीपी फिर सेंड कर देना है। ये नंबर दिया है, चाहे इस पर सेंड करिए चाहे इस पर सेंड करिए। उसके बाद से और स्क्रॉल करके नीचे आएंगे, तो अगर डिसेबल करना चाहते हैं बायोमेट्रिक लॉक तो वो भी कर सकते हैं। इसके लिए आपको 2 स्टेप करना होगा, पहले SMS भेजना होगा, दूसरा डिसेबल ये सब टाइप करके स्पेस टाइप करके आधार का लास्ट 4 डिजिट टाइप करके OTP टाइप करके भेज देना है। और ये नंबर भी दिया, इसी पे भेजना है। ये सब आपको बताया गया है, ये बिल्कुल फ्री होता है। और टेम्परेरी अनलॉक के लिए उसमें भी ये सुविधा दिया गया है, टेम्परेरी अनलॉक कर सकते हैं। अब उसके बाद से अनलॉक भी कर सकते हैं, उसके लिए भी SMS का सुविधा दिया गया है। ये सब सारा SMS का सुविधा दिया गया है। तो देखिए दोस्तों, तो इस तरह से आप भी अपने घर बैठे अपने सादे मोबाइल की सहायता से या कोई भी मोबाइल हो उसकी सहायता से SMS भेजकर भी आधार SMS सर्विस का लाभ उठा सकते हैं। दोस्तों यदि यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। यदि वीडियो से रिलेटेड कोई सुझाव हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। बाय, टेक केयर।